अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेके बहुत दिनों हो गए थे सिमुलर की वीडियो नहीं आई थी, तो कोई बहुत से भाई होंगे जो नाराज़ भी होंगे, लेकिन इसलिए आज फाइनली मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो GT5 की कार्स होती हैं एडवांस का, जो जिससे अपनी मनपसंद कार पर डैशबोर्ड पर पुलिस लाइट्स कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम जो GT5 की जो कार्स होती हैं, ठीक है ना, जैसे अब कोई भी कार, जैसे हम एडोन कार लगाते हैं, जैसे उसका जो रिम्स लगे होते हैं स्टॉक रिम्स, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, मैं अपना ओपन आई दिखाता हूँ ना आपको भी। जैसे हम एक गाड़ी है, उस पर रिम लगे हुए हैं, ठीक है, वो रिम हमको बहुत अच्छे लगते हैं, और आप वो गाड़ी उस रिम्स को आप किसी और गाड़ी पर लगाना चाहते हो और वो रिम आपके पास है नहीं, मतलब जैसे अब मैं दिखाता हूँ ना आपको अभी, रुको भाई, सारा कुछ प्रूफ दे जाएंगे हम आपको सब कुछ, ठीक है ना। प्रूफ के अलावा कोई बात नहीं करता आपका भाई, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना है, एक एक चीज़ समझनी है, और एक एक चीज़ जैसे जैसे मैं करता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप, आप लोगों ने भी इसको करना है। अगर नहीं करेंगे तो भाई पहले बता रहा हूँ, समझ नहीं आएगी, फिर ये ना कहना कि भाई आप समझाते नहीं हो सही और ये वो। तो जैसे मैं करूँगा आप लोगों ने वैसे वैसे करना है, ठीक है। अब ये एडिट मोड पर रहना है आप लोगों ने, यस, जैसे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मोड। जैसे अब ये गाड़ी है, मैं कौन सी दिखाऊँ, चलें ले दिखाता हूँ सिटी, जो हमारी होंडा सिटी है, या तो क्या, बल्कि मैं दिखाता हूँ, मेरे पास एक रिम्स पड़े हैं जो कि एडवांस नहीं है, लेकिन आप लोग बहुत चाहते होंगे उस रिम्स को, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे मैं अभी एक पंजाबी बॉयज़ ने अपनी गाड़ी अपलोड किया Mark II, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी कार है, तो उसमें एक रिम लगे हुए हैं, वो काफ़ी अच्छे रिम्स हैं, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इसको हम ओपन करते हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देख सकते हो, ये ना एक रिम लगे हुए हैं, मैं दिखाता हूँ इसके बाद अनचेक करते हैं सारे, आते हैं व्हील में, दिखाता हूँ आप लोगों को, यार यहाँ व्हील दिखाते नहीं है यार, ये बहुत मसला है। लाइक ये देख सकते हो, ये क्रीम है, ठीक है ना, बहुत अच्छा रिम्स है, ठीक है ना। तो इस रिम के जो मैं बताऊँगा, समझाता हूँ आप लोगों को। अब ये रिम इस गाड़ी पर लगा हुआ है, ठीक है, और आप चाहते हो कि ये रिम आपके पास एड ऑन नहीं है, आप किसी भी गाड़ी को लगा नहीं सकते हो। अगर और आप चाहते हो कि मैं ये रिम किसी और गाड़ी पर लगाऊँ, ठीक है, तो आज मैं यही बताने वाला हूँ कि आप लोग इस तरह कैसे कर सकते हो, अपनी मनपसंद किसी गाड़ी का रिम उतार के किसी और पर कैसे लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ लोगों को, अभी इस गाड़ी का रिम उतारेंगे हम, किसी दूसरी गाड़ी पर लगाएंगे। अभी मैंने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया Mark II को भी और BMW को भी, ठीक है। तो इसका रिम उतार के मैं लगाने वाला हूँ BMW पर, ठीक है। तो मैं जल्दी से, सबसे पहले आप लोगों ने Z Model 3 को ओपन करना है। अगर किसी ने पास Z Model नहीं है तो वो जाके मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा वीडियो का, अपनी वीडियो का लिंक दूंगा जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आप लोग इसको कैसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। तो उस लिंक पर जाकर आप लोगों ने जाकर डाउनलोड करना, वो करेक्ट वर्जन है, ठीक है, कोई पे नहीं करना पड़ेगा आपको। तो हम जल्दी से उसको ओपन करते हैं, ओके। फिर आपने कहा ना, यहाँ से भी आप इम्पोर्ट कर सकते हो, या तो आप जाओ फाइल, यहाँ पे करते हो इम्पोर्ट, तुम जाते हैं डेस्कटॉप, मैंने किया था ना, डेस्कटॉप पे चलते हैं हम। और ये हमारी गाड़ी है Mark II, और इसको हमें करना है उस पर। हाँ चलो, एक बात एक और याद आ रहा है कि बहुत से भाई मुझसे पहली बार कमेंट किया था कि भाई जो आप Vesher YTD लगाते हो वो कहाँ से आएगी, तो मैं आपको वो बताता हूँ कैसे आएगी वो। आपने जाना जाना ओपन आईवी में, जैसे हमारे पास गाड़ी ऐसा होती है ना, ओपन आईवी ओपन होता है, ठीक है, तो आप लोग नीचे आना है और जाना है X64E.RPF, ये वाला, ठीक है, ये देख सकते हो जिसमें हमारी GT5 की कार्स होती हैं, इसको ओपन करना है और मॉडल्स में आना है, सॉरी लेवल्स में, GTA5 Vehicle.RPF। आप इसको जब ओपन कर लोगे ना आप, तो आपको आना सबसे नीचे, यहाँ से आप स्क्रॉल कर लो इसको, यहाँ से पकड़ के नीचे ले जाओ, और ये देख सकते हो यहाँ पर ये Vesher YTD। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसको एक्सपोर्ट करना, मैंने पहले जैसे किया हुआ है, तो आप लोगों ने यहाँ पे कर देना है कॉपी एंड रिप्लेस, ठीक है। हम Z Model को ओपन करते हैं, ठीक है, तो हमारे Mark II है जिसका हम लोगों ने YTD फाइल लगाना है, Mark II फाइल, ये पहले अपने Mark II की लगानी है, फिर आप लोगों ने लगाना है Vesher YTD, ठीक है। तो आप लोग इसको इम्पोर्ट कर लें, फिर आप लोगों ने गाइस पे करना है L0 पे, लेवल ऑफ डिटेल पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने गाड़ी विजिबल हो जाएगी, ठीक है। और सही देख सकते हो, यहाँ पर आपको रिम इसी तरह विजिबल हो रहा है, ये देख सकते हो ये रिम है, ठीक है, और ये रिम आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और आप लोग चाहते हो, देख सकते हो साइड भी बड़ा मज़े का लगता है ये, और आप लोग चाहते हो कि ये मैं अपनी किसी और गाड़ी पर लगाऊँ, तो आप लोगों ने क्या करना है, प्लस प्लस व्हील ढूंढना है। व्हील ढूंढना कैसे आप लोगों ने, अगर आपको नहीं पता व्हील कैसे ढूंढना है, तो आप लोग जाना है किसी भी ना पर्सपेक्टिव में, या किसी में जाना है, ठीक है। जैसे अब ये है ना, आप व्हील पर माउस ले जाएंगे ना, तो इसके साथ ये नेम लिखा जाएगा, जैसे अब Wheel LF इसका नाम है ना, जैसे तो व्हील का ना, तो Wheel LF, तो अब यहाँ से आप ढूंढेंगे Wheel LF, ये व्हील है ना, तो ये बड़ा Wheel LF, ये देख सकते हो, ये हमारा व्हील है, जिसको हम करते हैं ड्रैग कर, सबसे ऊपर जाकर अपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, ड्रॉप करना है यहाँ पे,
जो भी गाड़ी होगी ना उसके ऊपर आपने ड्रॉप कर देना है, ठीक है। इसको हम करते हैं बैक, ये हमारा रिम रह गया, करते हैं एडिट एंड डिलीट, गाड़ी को डिलीट करना है, ठीक है, व्हील को नहीं करना। या फिर आप यहाँ से दोबारा इंपोर्ट करनी है गाड़ी जिस पर हमने लगाना है, ठीक है, करते हैं हमने BMW पर लगाना है, तो हम करते हैं इसको इम्पोर्ट, मार्टो को डिलीट करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं BMW की, इसको हम करते हैं इम्पोर्ट, क्रिएटिव मटेरियल्स हो रहा है, ठीक है। जब वो गाड़ी भी आ जाएगी ना, फिर आपने दोबारा से करना है L0 पे दोबारा क्लिक करना, फिर दोबारा कर देना, जाके उनको उस गाड़ी का भी जो व्हील है वो हमें विजिबल हो जाए। तो ये हमारा BMW का व्हील है, ठीक है, तो हमने उसे इसके साथ चेंज करना है। तो जिस गाड़ी से आपने चेंज करना है ना, उस गाड़ी को अपने हाइड करना है, और जो हमारा ये व्हील को अपने चेंज करना है ना, उसको पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने याद रखना है प्राइवेट को ऑफ कर देना है, प्राइवेट जब इसे कहते हैं इसको आप ऑफ करना है। फिर आपने जाना है सेलेक्ट क्वार्टर, यहाँ पे आप माउस का राइट क्लिक करके ना प्रेस करके आप इसको सेलेक्ट करना है पूरे को, और याद रखना अपना क्लीन भी याद रखना है, यहाँ से अपना क्लीन करना है क्लिक, ये क्लीन आ जाएंगे इस चीज़ों को, उसके जो ग्लिच होते हैं ना, अगर इसको आप सेलेक्ट करोगे ना तो आपको ग्लिच नहीं होंगे, ठीक है ना। इसको भी आपने सेलेक्ट कर देना है, फिर आप इसको इसको ऑफ कर दो। फिर आपने जाना है दोबारा गाड़ी में, जो हमारी गाड़ी का व्हील है, ठीक है ना, या व्हील LF, इसका नाम भी व्हील LF है, तो हम जाते हैं व्हील LF, ठीक है। इसको आप लोगों ने क्या करना है, ड्रैग करनी है, इसको भी आप नीचे आके ड्रॉप कर देना, गाड़ी को हाइड कर दें, व्हील को भी हाइड कर दें, ठीक है। मेरा व्हील भी सेलेक्ट है, और ये जो आपने याद रखना, ये जो क्लीन एंड फाइल ये भी है ना, ये भी सबकी सेलेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। तो हम मिनिमाइज़ करते हैं, सबसे पहले आपने यहाँ पे बड़ी स्क्रीन करनी, पहले करना है मूव, यहाँ पे करो, या तो यहाँ से कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे जिस खाने को बड़ा करना है उसको आप जी प्रेस करना है, जेड मतलब जेड प्रेस करेंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा। फिर आपने जाना है इसको मूव XY एक्सेस रखना है, ठीक है। इसको आपने जो व्हील है इस पर बड़ा फिट करना है बराबर, बिल्कुल इक्वल, ठीक है, ये हो गया ना। आप जाना है बिल्कुल दरमियान में, जैसे ये रेड डॉट दिखा रहा है उसमें रेड डॉट पर जाना है, प्रेस करना है एक्स, रेड डॉट पे अपनों ने एक्स प्रेस करोगे फिर भी ये सेंटर पॉइंट बन जाएगा इसका, ठीक है। तो हम इसको छोटा करते हैं, एक्स एक्सिस रहेगा, आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल करना है और पूरी गाड़ी को बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट करना है व्हील को, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी गाड़ी का बिल्कुल रिम फिट हो गया है लेंथ के लिहाज से। अब इसकी वेड़ चेंज करते हैं, आप लोगों ने क्या करना है, फ्रंट पे जाइए, या तो जाना है टॉप पर, टॉप पे जाओगे तो आपके पास इस तरह की एक्सेस आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, वाई को छोड़ देना है, एक्सेस पे रहना है, और यहाँ पर अगर पैरोट ऑफ है तो आप लोगों ने इसको ऑन कर, अगर ऑन है तो आप इसको अपने ऑफ कर देना है। इसका करना छोटा मूव, पर पहले आपने सेलेक्ट कर लें पूरी गाड़ी पर इसको ना, यहाँ पर ये इस तरह, फिर आप लोग इसको अपने इसी तरह करना है, छोटा बड़ा कर लेना है, ये होगा, ठीक है, बिल्कुल सही तरह की चीज़ से है। कोई चीज़ मतलब कि ना थोड़ी छोटी बड़ी ना हो जाए, अगर छोटी बड़ी होगी तो फिर आपके जो दूसरे व्हील होंगे ना उसके साथ ये मतलब कि ना सही तरह वो नहीं होगा, क्या कहते हैं इसको, सही तरह उस तरह मतलब कि ये मोटा होगा थोड़ा सा, और वो थोड़े से बदले होंगे, फिर वो छोटे बड़े करेंगे, फिर आपको फिर गाड़ी के ना सही नहीं लगती। या हमारा व्हील फिट है, उसको हम डिसलेक्ट, ठीक है, मैं आपको 3D में दिखाता हूँ, ये देख सकते हो हमारा बिल्कुल फिट है बिल्कुल, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे रिम यही कौन सा रिम बन गया, ऐसे ये भी प्यारा लग रही है ना एक और नया रिम बन गया इसी से, देखे ना स्टार वाला एक और रिम बन गया, छोड़ो इसको, चलो हमें जो हमारा रिम है ना इसको हम कहते हैं डिलीट। फिर आपने आना इसको ओरिकल गाड़ी को ओपन करना है, ठीक है, जैसा जैसे हमारी गाड़ी बिल्कुल इसका जो रिम है इसको अच्छी तरह लग चुका है, ठीक है। तो उसके बाद ये देख सकते हो मैंने ये भी लगाया था, चलो छोड़ मैं इसका भी ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, इसको भी आप कैसे लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको हम करते हैं अब, हाँ एक और बात याद आई, ठीक है ना, बहुत से लोगों ने भी कमेंट किया हुआ था कि ना भैया जो मैंने पिछली बार बताया था ना कि पुलिस लाइट वाला, तो उस भाई ने एक बताया था कि ना मेरी जो गाड़ी है ना उसमें मैंने पुलिस लाइट लगाई है, लेकिन उसमें मेरी ग्लिच आ रहा है, मतलब कि जब वो जो है ना मेरी लाइट्स वो टाइक साथ पे ना घूम रही हैं। तो यही बात होती है ना, वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं, मतलब कि मैंने पहले ही बताया था फिर बता रहा हूँ, जो भी चीज़ आप लगाते हो ना दूसरी गाड़ी से उतार के दूसरी पर लगाते हो, तो उसको सबसे पहले आप लोगों ने किस में लगाना है, चेसिस में, ठीक है ना। पहले ज़्यादा जब जाओ यहाँ पे नीचे जाके आप यहाँ प्रेस करो, ना 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 ना, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे चेसिस में इसको ड्रैग कर देना है, ये एंड पे चली जाएगी, ठीक है। फिर आप इसको जाके जाना है ऊपर जाके जहाँ से हमारे व्हील पड़े हैं ना, इसका आपने यहाँ पर सबसे एंड पर ड्राइव करना है, ठीक है। तभी आपका अभी देखा अभी हमारा अभी कोई मसला नहीं आएगा मेरी गाड़ी में, अभी दिखाऊंगा आपको गेम जाके भी दिखाऊंगा आप लोगों को। और दूसरी मेन बात इसको हम करते हैं एक्सपोर्ट कर लेते हैं ना, इसको हम Ctrl+C एक्सपोर्ट, यहाँ पर Ctrl+V प्रेस करेंगे तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगी, यस कर देना। फिर हमें जाना है अपनी गाड़ी में GT5 मॉड्स अपडेट RPF 64 DLC पैक्स, हमारी गाड़ी थी BMW, ठीक है। इसको हम करते हैं ओपन, नेसेसरी
रिप्लेस करना आप लोगों ने। रिप्लेस करने के लिए आप जहाँ पर हमारी गाड़ी को एक्सपोर्ट किया, ये हमारी गाड़ी है तो उसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये भी रहा एक्सपोर्ट, ये सुधार लिया। अभी पहले मैंने इस गाड़ी को एरियम लगाए हुए थे ना, तो अभी ये तो इसके कोई मसला नहीं आ रहा, लेकिन मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या मसला आएगा। आपके पास कैसा मसला आएगा? आपके पास मसला ये आएगा, दिखाता हूँ ना। जब आप ऐसे लगा के छोड़ दोगे ना, तो आप अपनी गाड़ी को ओपन करोगे, कोई टेक्चर नहीं होंगे, कोई गाड़ी में जैसे वाइट वाइट दिख रहा होगा आपको, थ्री डी मॉडल बस दिखेगा, तो आपको रिम ना उसके टेक्चर नहीं लगेंगे, ठीक है। जब आपने टेक्चर उसमें लगाए हुए ना गाड़ी के अंदर, वो टेक्चर इसमें भी लगाने होते हैं तभी इस गाड़ी में लगते हैं, वरना आपकी गाड़ी भी ग्लिच हो जाती है और रिम भी नहीं सही तरह, जैसे अब ये इस तरह आपके पास सामने आएगा, ठीक है ना। ये इस तरह, मतलब कि कोई रिम नहीं होगा, कोई व्हील का कलर नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको कैसे सही करना है, तो आप लोगों को हमेशा ये याद रखना कि आप लोगों ने इसके जो एडवांस टायर होता है, जो भी इसके स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो लाजमी लगाने होते हैं। और वो टेक्चर कैसे फाइंड करते हैं, जब मैं मॉडिंग करता था ना, मुझे भी नहीं पता था कि जो टेक्चर होते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, तो ठीक है। तो मैं आपको अब तो मैं तो बता रहा हूँ ना आप लोगों को, लेकिन और कोई भी नहीं बताता, मैंने बहुत सी वीडियोज़ में देखा, लेकिन कोई भी नहीं बताता कि टेक्चर कैसे फाइंड करते हैं। तो आप लोगों ने इसको जब जिस चीज़ का अपने टेक्चर फाइंड करना है ना, उसको आप लोगों ने विजिबल करना और बाकी सबको हाइड कर देना, हाइड ऑल। और हमने जैसे मैंने व्हील का करना है ना, तो हमने जाना है व्हील में, इसको आप क्लिक करते हैं और करना है सेलेक्ट, और जाना है मटेरियल ब्राउज़र में, जब जाओगे ना सीन सिलेक्शन में, ये वाला देख सकते हो ना, तो ये हमारे पास आ जाएंगे दो जो इस चीज़ पे जो टेक्चर हो रहे हैं ना यूज़ हो रहे हैं, तो वो टेक्चर यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे ये एडवांस टायर है ना, ये भी टेक्चर ना यूज़ हो रहा है, वो देख सकते हो, जो रिम है इसका इसी पर विजिबल हो रहा है, और जो सीट ट्रांस है, अब ये इसका पूरा टायर ही है, ठीक है। तो ये अगर दो आप फाइल्स, आप दो पिक्चर, जो दो टेक्चर होंगे आप नहीं लगाओगे, ताकि बस गाड़ी में ये सही तरह विजिबल नहीं होगा, तो मैं दिखाता हूँ लोगों से लगाना कैसे है। दोबारा जाना जिस गाड़ी से आपने उतारे हैं ना ये रिम्स, उस गाड़ी की बार जाना है वाई डी फाइल में, जैसे मैं मार्क टू से उतारे थे, तो हम जाएंगे मार्क टू में, या आप जिसने या जिस चीज़ आप गाड़ी से आपने उतारे हैं ना, तो उस गाड़ी में जाना आप लोगों ने, ठीक है। व्हीकल RPF मार्क टू YTD, और नीचे आ जाए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है एडवांस टायर, जो उस पर जो नाम लिखे होंगे ना, एडवांस, एक एडवांस टायर था और एक था सी ट्रांस, यहाँ पे पहले से एडवांस टायर कर रखा है, मतलब सी ट्रांस मैंने किया था पहले, सर करते हैं सीट ट्रांस, आप पहले एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। तो इसमें बैक करते हैं, तो अब जो जैसे आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे, तो आप जाना बार जाना उस गाड़ी में, जैसे हमारी गाड़ी थी BMW, व्हीकल RPF YTD फाइल में जाना आप लोगों को, करना इम्पोर्ट, दोनों को आप लोगों ने इस पर पेस्ट कर देना, सेव कर देना। और गाइज यार, बहुत से भाई ने मुझे, बहुत भाइयों ने यार कमेंट भी किया हुए थे, यार मैं आप लोग सरप्राइज़ भी देने वाला हूँ आपको, पता जैसे कि मैंने एक लैंड रोवर बनाई थी, ठीक है, जो मसूद की है, ठीक है। और दूसरा मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ, बल्कि बताता क्या हूँ, दिखाता हूँ। अब ये सोचे मैंने गाड़ी बनाई है, जो हमारी लैंड क्रूज़र थी, इस पर थोड़ा सा यार मैंने जो बनाई थी ना यार, एक मसला बन गया है, जो पहले मैंने बनाई थी ना उसमें थोड़े से ग्लिच आ गए थे, तो वो उस गाड़ी ना पूरी करप्ट हो गई, मतलब कि अब दोबारा से मुझे फाइल लगानी पड़ी, ठीक है। तो अभी जो जिन्हें मैं पहले मॉडिफाई कर चुका था ना, तो मतलब ग्लिच प्लस में क्या आया था, ग्लिच ये आया था उसके डोर नहीं ओपन हो रहे थे, तो ये जैसे तो कि अभी ये वही पड़ी है जो मैंने इसकी मैंने पिक्चर लगाई थी ना, अभी वही पड़ी है, ठीक है ना। तो इसको मैं दोबारा से उसी तरह जैसे मैंने पहले कर चुका था दोबारा बनाऊंगा, देख सकते हो। ये फाइल ये भाई आपके भाई ने बनाई है, भाई बॉडी जो बॉडी किट कहते हैं इसको, मैं आपके भाई ने बनाई है, ठीक है। यार मेरे जैसा भाई मिलेगा आप लोगों को यार, सच्ची बताना नीचे कमेंट में बताना, जो भाई यार आपके लिए मोड बना रहा है, ठीक है ना, और आपको दे रहा है बिल्कुल जैसे ना। और हाँ चलो, एक और बात भी याद आई, ये मैंने बनाई क्यों गाड़ी, इसका मैं मेन पॉइंट आपको बताता हूँ। मेन पॉइंट ये बताता हूँ कि आप लोगों को कि एक भाई था, मैं उसका नाम नहीं लेता, लेकिन इंस्टाग्राम पे मेरा लाइक भाई है, ठीक है ना, भाई मतलब ऐसे समझ लो यूट्यूब से आया था, तो उसके ना भी इस तरह के कैसे भी अच्छे अच्छे मोड्स थे, उसने मतलब कि एजमेकिंग में जो सारे मोड्स हैं ना वो सारे उसने बनाए हुए थे, तो ना मुझे उसने ये क्या ना ये V8 बनाई हुई थी, उसमें ये ना ये लैंड क्रूज़र वाली किट लगी हुई थी, ये किट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि अजमेर गेमिंग भी यूज़ करता था इसे किट बनाने में, ठीक है। और ये किट मुझे मुझे अच्छी लगती है, और मैंने GTA 5 की हर एक वेबसाइट भी जाके देखी, लेकिन इस तरह की लैंड क्रूज़र मुझे नहीं मिली। और मैंने उस भाई से बस ये कहा था कि भाई यार ना ये मुझे मोड दे दो यार, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना, तो आप ये दे दो। तो जैसे उसने कहा भाई, जैसे आपको पता है अभी नखरे दिखाते हैं यार लोग, नखरा इस तरह दिखाया, उसने कहा नहीं यार मेरे मोड हैं, मेरी मर्ज़ी, मैं नहीं दूंगा, बस ये उसने उसके अल्फाज थे, और उसने भाई मुझे मोड नहीं दिया, ठीक है। इससे यार बड़े बात दुख हुआ यार मुझे कि यार मैं किसान मोड दे रहा हूँ, लेकिन
फिर मैंने थोड़ा गिल्टी फील किया कि यार मैं भी कुछ ऐसा करता हूँ, मैं भी, लेकिन फिर मुझे जब मेरा दिमाग दुखा गुस्सा ठंडा हुआ, फिर मैंने कहा नहीं यार इस तरह नहीं। मैंने फिर कहीं से ढूंढी ये, जो आप देख सकते हो ना ये गाड़ी, मैंने बॉडी किट कैसे बनाई, ये मैंने बनाई कैसे, मैं दिखाता हूँ लोगों को। ये किट मैंने लिया है सैन एंड्रियास से, GT5 की जो सैन एंड्रियास है ना, जो GT सैन एंड्रियास, उसकी जो वो भाभी इसी तरह ही करता है, और अजमेर गेमिंग भी इसी तरह ही करता है। वो GT सैन एंड्रियास की कार लेकर उसमें GT5 के टेक्चर लगा कर अपनी गाड़ी बनाता है, ठीक है। बहुत कम ही गाड़ियाँ उसकी जो उसने खुद बनाई हुई हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर मैं अभी दिखाता हूँ उसने जो गाड़ी, मसूद की गाड़ी बनाई हुई है वो भी इस तरह क्यों लगती है, क्योंकि एक लैंड क्रूजर जो एक गाड़ी GT5 से ले ली लैंड क्रूजर, जो किट वायर गानी वो सैन एंड्रियास से ले ली। मैं दिखाता हूँ लोगों को मैंने कहाँ से ली और मैंने भी कहाँ से बनाई है। मैंने यहाँ लिखा सब दिखाता हूँ, यहाँ लिबर्टी सिटी पे आपको मिल जाएगी टोयोटा लैंड लैंड क्रूजर वर्ल्ड 200 GTA सैन एंड्रियास। तो अगर सर्च करोगे ना तो ये GT5 के लिए नहीं आती, अब ये GT सैन एंड्रियास पे आ जाएगी, देख सकते हो। ये आप दिख रही होगी यहाँ पर भी, मैं दिखाता हूँ पिक्चर में आप लोगों को। यहाँ से आपके भाई ने इस फाइल गाड़ी का फाइल ली है इस गाड़ी की, ठीक है। और इस गाड़ी को फिर आपके भाई ने GT5 के GT सैन एंड्रियास से GT5 में कन्वर्ट किया और आपको दे रहा है, ठीक है। तो ये सीन है अभी भाई, आपका भाई फुल ना ऐसे समय वाला ना नखरे में नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करा आपका भाई, अभी इसको आपने बनाई है। इस समय में थोड़ी सी यार बस थोड़ी सी गुजारिश ये है कि आप थोड़ा सब्र कर लिया करो यार, मैं बहुत थोड़ा सा बिज़ी भी होता हूँ और आपके मोड्स बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बिज़ी बनता हूँ बहुत ज़्यादा। तो बना जैसे मेरी कंप्लीट हो जाएगी मैं फ़ौरन इसको अपलोड कर दूँगा, मैं नहीं रखूँ, मैंने ये तो नहीं है मैं बना के अपन बस रख लूँगा, मैं इसको अपलोड करूँगा। और दूसरी एक और चीज़ भी है जो यार वो एक अहम चीज़ है, मैं लोगों को दिखाता हूँ फिर आप लोग बोलोगे ये आप लोगों की सरप्राइज़ है। अपन कर दूँ, चलो कर देते हैं यार, ये लो ये क्या है भला क्या है ये, कुछ भी नहीं है ना, आपको लग रहा होगा ये बस एक काली गाड़ी है, लेकिन नहीं ये तो अभी कुछ नहीं है, खादी गाड़ी है। अभी मैं यहाँ सिखाता हूँ आप लोगों को, ट्यूनिंग मोड में दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखो भाई ये देखो, टुंड्रा किट लग गया, उस्ताद का रिवो बन रहा है भाई, उस्ताद का रिवो बन रहा है, क्यों टेंशन ले रहे हो। अभी जब ये गाड़ी में गेम जाएगी तो पूरी बॉडी किट लग जाएंगी और ये गाड़ी जाएगी जो हमारे उस्ताद का डाला है वो बन रहा है इसमें, पता है आप लोगों को। भाई मेहनत कर रहा है आपका भाई, यहाँ पे आप लोगों की भाई यहाँ पे वो लाइट्स लगाएगा जो उस्ताद ने लगाई हुई हैं भाई, बहुत बहुत अच्छी चीज़ें। इसलिए मैं कहता हूँ सब्र किया करो, सब्र नहीं करोगे तो मोड कैसे बनेंगे। जब आप कहते हो भाई अपलोड कर दो कर दो कर दो, तो भाई मेहनत तो लगनी है ना, मेहनत कर रहा हूँ इस पर भी। अभी अब तो अभी ये बॉडी गेट लग चुकी है, यहाँ पे लाइट्स लगेंगी, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर प्लेट लगेगी उस्ताद, फिर यहाँ पे एंटीना लगेगा, फिर यहाँ पे बोनट वगैरह पे लाइट्स वगैरह लगा कर दूंगा, ठीक है। तो अभी अभी जब मुकम्मल हो गया इसको भी अपन अपलोड ही करना ही है, मैंने अपलोड ही करना है, क्या करना। और ये जो हमारे पास एक मोड रह गया है जो फॉर्चुनर का, ये तो आ ही रहा है, 600 आने वाले हैं, 580 तो हो गए हमारे, जैसे हमारे 600 हो जाएंगे तो गाड़ी तो आज अपलोड अपलोड हो ही जाना इसने भी, ये देख सकते हो। ये भी रेडी है, कह रही है बस 600 हो जाए और मैं बस जाऊँ, ये भी छोड़ के चली जाएगी। चलें चलो, मेरी गाड़ी हो चुकी है तो बातें बहुत हो गई है, मैं चलता हूँ गेम में और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को गाड़ी कैसे मैं लगी। गाइस यार आगे वीडियो बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो रिक्वेस्ट मेरी ये है कि एक भाई का चैनल है सोल ऑफ गेमिंग, ठीक है ना, इस चैनल का नाम है सोल ऑफ गेमिंग, जो कि यार ना दिल से पूछो ना बहुत ही नहायत अच्छे भाई हैं, समझ लें। मेरी कभी इनसे बात नहीं हुई ऐसे, मतलब जो भी मैंने कहना कभी इनसे ना मेरा रब्ता नहीं हुआ, लेकिन इस भाई की जो मतलब जो कंटेंट है ना ये मुझसे भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ना भाई आप देख सकते हो, आप ये देखो ना जो मुझे जो मोड मेरे पास भी नहीं है ना वो भाई इस भाई ने मोड अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे अभी जैसे करोला 1.6 वाले, ठीक है ना, मैंने इसको खुद भी सब्सक्राइब किया हुआ, लेकिन क्योंकि इसका हक बनता है यार, देखो ना इसने अभी ये देख सकते हो ये क्राउन एथेलिएट ये वाला मोड कहीं पर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इस भाई ने दिया हुआ है, मेरे पास भी नहीं है, खुद बता रहा हूँ मेरे पास नहीं है ये मोड, मेरे पास ये मोड भी नहीं है मेरे पास, ये जो 1.6 वाला बनाया हुआ है, ठीक है। ये जहाँ से भी लेता है जो भी करता है, लेकिन आप लोगों को दे रहा है फ्री में मोड, ठीक है ना। तो यार जो जो भाई देख सकते हो ये जो अजमेर गेमिंग जो रिक्शा यूज़ करता है, आप लोगों को पता है ये कहाँ से मिलेगा, नहीं ना पता, देखो इसको पता है, इसने हमें बताया अभी कहाँ से मिलेगा, लेकिन ये वेबसाइट से मिल जाता है, ठीक है। तो यार ये इसने कुछ मोड मोड से भी लिए हुए, मतलब कि मेरी वीडियोस उठाए हुए हैं, जैसे कि एक कशीर किंग हो गया और एक हज़ार इमदार, ये वाला मोड। चलो यार मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को यार आप बहुत अच्छा किया मुझे मोड लिया, लेकिन भाई यार मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार जो जो भाई
मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो मेरे साथ हैं, तो प्लीज़ यार मेरी खातिर इन भाई को प्लीज़ सपोर्ट करें, ठीक है। इनके इंशाल्लाह आप लोगों ने सब्सक्राइब करने को ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। जैसे तो अब भाई ने कितने अच्छे अच्छे मोड़ दिए, लेकिन इनके पास अभी यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन आएंगे, अच्छा वक्त आएगा। लेकिन इनका चैनल मुझसे भी पहले का बना हुआ है, ठीक है। और यार मैं जो जो मोड मेरे पास नहीं होते वो भी मैं इन्हीं से लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने लिए थे वो क्या नाम था, होंडा सिटी थी 1.8 एस्पायर, वो मेरे पास तो नहीं थी ना, मैंने भाई इनमें से एक वीडियो में थी वहाँ से मैंने ली थी। अब ये जो गाड़ी है आप लोग यहाँ भी नहीं मिलेगी कहीं से, जो ये वाली देख सकते हो 1977, ठीक है। तो टोयोटा प्रीवियस मतलब किस ये वो होंडा सिटी जो यहाँ से मैंने उनसे ली है, ठीक है। मैंने उनको क्रेडिट भी दिया नीचे, ठीक है। जैसे बहुत सी गाड़ियाँ नीचे जो आप लोगों को मिल सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्लीज़ यार मेरी खातिर इन भाई को ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और वीडियोस को लाइक भी करना है इनकी, और वीडियोस को मतलब व्यू भी करना है, ठीक है ना। तो आप लोगों मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ओके गाइस, हमारी गेम ओपन हो चुकी है। सबसे पहले आप लोगों ने अपना एडवांस मदर ओपन करना है, ठीक है। F5 प्रेस करते हैं, इसको बैक करते पहले। हाँ तो अब उन्हें जाना है शायद कंपा, इसमें इधर पड़ी थी यार, कंपैक्ट्स में नहीं, शायद यहाँ पे थी यार, भूल जाती पड़ी कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। हाँ तो कई देख सकते हो कि हमारी गाड़ी जो थी बिल्कुल इसी के रिम जो उसके बिल्कुल एक वर्क कर रहे हैं, ठीक है, लग चुकी हैं। जो आप उसमें देख रहे हो रेड रेड, ये इसमें गाड़ी की वो लगी हुई हैं हब, ये किस कहते हैं ब्रेक ब्रेक कैलिपर, तो ये हम उसमें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारा मेन होता है व्हील देखना होता है, व्हील जिगल वगैरह तो नहीं कर रहा, देख सकते हो व्हील हमारा बिल्कुल इसी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों मुझे कमेंट में सेक्शन में बताना कि आप लोगों इस पर बना के दो वीडियो, अगर ये हम ये सब जो विंडो पे होता है कोई भी टेक्सचर कैसे लगा सकते हैं, ऐसे में मैंने ब्लैक की है विंडो, तो हम इस तरह कैसे बना सकते हैं इसको, आप लोग नीचे कमेंट, जिस ज़्यादा कमेंट आएंगे अगली वीडियो से भी आएगी जी मोलर की, ठीक है। तो इसमें ये हो चुका है, ठीक है। दूसरे मैं आपको दिखाता हूँ वो हमारा क्या कहते हैं उसको टोयोटा लैंड लैंड क्रूजर दिखाता हूँ लोगों को, क्या मैं कैसे दिखती है हमारी वो। तो हमारी पड़ी है SUV नहीं, मैंने स्पोर्ट्स, ये रही आपकी बाइक लैंड क्रूजर। ये देखो गाइस यार, ये लैंड क्रूजर आपके बाइक की, ठीक है। इसकी लाइट भी कुछ जगह वर्क कर रही हैं, इंडिकेटर भी वर्क करते हैं, मैं दिखाता हूँ लोगों को, ठीक है। थोड़ी सी लाइट्स भी लगी हुई हैं, गाड़ी के टायर बोल्ड हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। जो के जो मैं रिम लगा के देखा था, जो मेरे फेवरेट टिम्स हैं वो इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे मैंने जैसे उस साल की गाड़ी पर लगे हुए हैं वो वाले रिम। इसमें अभी दिखाता हूँ इंटरेस्ट का, ब्लैक दिख रहे होंगे ना आप लोगों को, मैं इसको पूरा मॉडिफाई करके दिखाता हूँ आप लोगों को। पेंट करते हैं इसका ब्लैक, सेकेंडरी बिल्कुल आइस वाइट करना। अब देखो भाई, अभी देखो, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, व्हील हमारा हो गया, ठीक है। विंडोज़ तक हमें ब्लैक छोड़ जाती हैं, ठीक है। एक्स्ट्राज, ठीक है। तो ये हमारी गाड़ी है, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह ये भी हमारी इंशाल्लाह अपलोड होगी, थोड़ा सा बस में वर्क रह गया, ठीक है। तो हम बैग इतने देखिए डोर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस यार ये हमारी गाड़ी आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं लेनी, देख सकते हो तो ये वर्क कर रही है, देख सकते हो ना, अभी आप ये नहीं कह सकते ये वर्क नहीं करता, ठीक है। तो गाइस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं आप लोगों को मिलती रहें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो पर लाइक लाइक एम करते हैं, 100 लाइक करने आप लोगों ने, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।